नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों को कठोर दंड से दंडित कराए जाने व महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। महिला संबंधित मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रजिस्ट्री कार्यालय पर सीओ कैंट श्याम देव बिंद्र के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने की छापेमारी। एक घंटे से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से की गई पूछताछ। एसएसपी ने कहा, रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले में दो व्यक्तियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। उनके खिलाफ गैंगस्टर व कुर्की की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रजिस्ट्री कार्यालय व आरटीओ कार्यालय में हुए भ्रष्टाचारियों पर हुई कार्यवाही पर कहा कि अलग अलग विभागों में गोपनीय तरीके से करवाई गई थी जांच। बाकी बचे अभियुक्तों को भी पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार। गैंगस्टर की कार्यवाही व अवैध संपत्ति को किया जाएगा कुर्क। शासन द्वारा अंग्रेजी के लीक हुए पेपर की रद्द परीक्षा का बुधवार को दोबारा पेपर सकुशल हुआ संपन्न। परीक्षार्थियों ने कहा, अच्छा गया है पेपर। राजकीय चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सालयों में 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को लगाया जा रहा है कोविड का प्रिकॉशन डोज। कई प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 250 रुपए और संस्था के सर्विस चार्ज को देकर करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। सीएमओ ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण। डॉक्टरों के साथ बैठक कर कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही करने वाले कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी पदाधिकारियों व विद्यालयों को दिए निर्देश। रेलवे स्टेशन पर लोगों को नाजायज गांजा बेचने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 120 ग्राम नाजायज गांजा हुआ बरामद, भेजा जेल। रात में मोटर चोरी करने वाले शातिर चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद। और 23 कोरोना योद्धाओं को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने किया सम्मानित। कहा, सम्मानित हुए कोरोना योद्धाओं ने दिन रात एक करके जिले में कोविड को किया है नियंत्रित। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपराधियों को कठोर दंड से दंडित कराए जाने एवं महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी जिले के आला अधिकारी महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि महिलाओं की सुरक्षा में किसी तरह की कमी ना हो और जो केस महिलाओं के संबंधित चल रहे हैं उनमें पुलिस के अधिकारियों जल्दी विवेचना खत्म करके चार्जशीट को न्यायालय में पेश करें, जिससे अपराधियों को सजा दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में कानून व्यवस्था का राज था, उसी तरह फिर 5 सालों में कानून व्यवस्था का राज रहेगा, जिसके लिए सरकार मिशन शक्ति अभियान चला रही है और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है, जिसके तहत कुछ जिलों में अपराधियों को मृत्युदंड भी मिला है। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उसको आगे बढ़ाकर न्यायालय में सजा दिलाएं, जिससे कानून का राज स्थापित रहे। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के एनआईसी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। So now we have the DGP with us, Mukul is with me, and I would like to formally start a few words, and then I will request Mukul
सर वो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा taken over on the 25th of March, and the very first day the Honorable Chief Minister very clearly has enunciated that kanun vyavastha ka raj rahega. Pichle 5 saal mein he has worked hard as the Chief Minister, as the Home Minister, to bring everything to book, and this is one reason why the entire state did see kanun vyavastha ka raj. And all of you know that in the election itself, public at large, people at the, on the ground, women on the ground, girls on the ground, anyone who was oppressed on the ground did come forth and say that this is a government which has delivered on the law and order front. The entire police personnel, the entire police machinery of the state has performed well in the last 5 years, and I can also say that the entire machinery of the prosecution department, the entire machinery of the DGCs and ADGCs, the entire machinery of the joint directors down below have reasonably done well, so that our state has seen the rule of law. And the Mission Shakti Abhiyan were launched, and the last edition of the Mission Shakti Abhiyan was launched between 21st of August till the 24th of December. And I would like to highlight the Shakti ke Abhiyan ke tahat वो बहराइच में 5 मामलों में मृत्युदंड मिला, प्रतापगढ़ में 5, शाहजहांपुर में 3, बुलंदशहर में 2, सोनभद्र में 2, हाथरस में 1 और फिरोजाबाद में 1. मैं चाहूंगा कि जितने भी मृत्युदंड के मामले हैं उनको संबंधित जिले के लोग फॉलो अप करें, जो लोग की जहां डेथ सेंटेंस होता है वहाँ एक सिस्टम फॉलो होता है, न्याय विभाग का जो है इसमें फॉर्मल रिव्यू भी होता है, इस चीज को फॉलो अप करके हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मृत्युदंड के जितने मामले हैं उनको हम आगे बढ़ाए. इसके साथ साथ 10 वर्ष जीवन कारावास में जो है जिन जनपदों में अच्छा हुआ है काम, बरेली में 63 आजीवन कारावास हुए, सीतापुर में 43, अलीगढ़ में 35, प्रतापगढ़ में 21, बहराइच में 20, मैनपुरी में 19, इटावा में 17, देवरिया में 16, आगरा में 15, चित्रकूट में 13, गाजीपुर में 11, शामली में 10 और ललितपुर में 10. 10 वर्ष या 10 से अधिक की सजा वाले मामले में बरेली, सीतापुर, अली कैंट पुलिस ने सीओ कैंट श्याम देवबिंद के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम के साथ कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी की. इस दौरान सीओ कैंट ने पुलिस के अधिकारियों के साथ लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से पूछताछ की, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि तहसीलदार सदर के द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ व आरटीओ कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. दोनों मामलों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और दोनों विवेचना संबंधित थाना के क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है. उन्होंने कहा साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जा रही है. एसएसपी ने कहा अभी तक जिनके भी नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ मिले साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है. अगर कोई व्यक्ति कार्यवाही से बचने के लिए फरार रहता है तो उनके खिलाफ NBW व कुर्की की कार्यवाही की जाएगी. इस अवसर पर सीओ कैंट श्याम देवबिंद, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, पेडलेगंज चौकी प्रभारी शंभू प्रसाद साहनी, उप निरीक्षक अवधेश मिश्रा सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे. इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा क्या सजा लगी
इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है, दो मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा, और एक आरटीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दोनों प्रकरणों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही विवेचनाएँ संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही हैं, और इसमें आगे साक्ष्य संकलन कर जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध आगे कार्यवाही की जा रही है। जी, जो अभी तक प्रकरण में नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ साक्ष्य संकलन की कार्यवाही चल रही है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि गिरफ्तारी के कारण वो फरार रहते हैं, गिरफ्तारी से फरार रहते हैं, तो उनके विरुद्ध जो NBW और आगे कार्यवाही है कुर्की वगैरह की, वो भी की जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रजिस्ट्री कार्यालय व RTO कार्यालय में हुए भ्रष्टाचारियों पर हुए कार्यवाही पर कहा कि जिले के अलग अलग विभाग में गोपनीय जांच करवाई गई थी और जो लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल थे उनके खिलाफ थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी गई व गिरफ्तारी की जा रही है और जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनकी विवेचना में चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं जब जिलाधिकारी से इसमें शामिल होने वाले अधिकारियों की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं उन लोगों के भी खिलाफ जांच की जा रही है और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके अवैध संपत्ति बनाई है उनके संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा और उनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि हम लोगों ने गोपनीय जांच करवाई थी जिसमें कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। इसी तरह से अलग अलग विभागों में जनता को जो सेवाएं देनी है उसका 100% पालन करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे कि सभी अधिकारी अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप बताते हैं कि जब ये गोपनीय जांच कराई गई थी उसके पश्चात जितने भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात पुलिस द्वारा लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और शेष जो अभी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी षड्यंत्र था, जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं सभी को विवेचना में आच्छादित किया जाएगा और कड़ी विवेचना होगी, अच्छे विवेचना होगी और जितने भी लोग हैं उसमें सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अवैध संपत्ति इसके इस तरह के षड्यंत्र करके लोगों को परेशान करके किया अवैध संपत्ति की जाएगी उस सबको कुर्क भी किया जाएगा। जो विधिक प्राविधान है उसके अधीन काम किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाएगी, गैंगस्टर भी इनके खिलाफ लग सकता है। नहीं, हम लोगों ने एक गोपनीय जांच कराई थी, उसमें डिकॉय ऑपरेशन करवाया था और इसमें वीडियो में स्पष्ट रूप से उभर के आया है कि क्या इसके मोडस ऑपरेंडी क्या था और इसी तरह की कार्रवाई विभिन्न विभागों में जहां जनमानस का आवागमन रहता है, जनमानस को सेवाएं देने की बात होती है और निःशुल्क पारदर्शितापूर्ण सेवाएँ देने में और शासन के जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन के अधीन हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, सभी को अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है, लोगों को
को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत जो निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सेवाएं देने हैं और पारदर्शितापूर्वक देना है, सभी को स्वामित्व लेना है, पूरी टीम को एक सेवा भाव के साथ काम करना है, जैसे शासन की मंशा। जनपद में 199 परीक्षा केंद्रों पर अंग्रेजी विषय इंटरमीडिएट का परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 199 केंद्र बनाया गया और अंग्रेजी विषय इंटरमीडिएट परीक्षा सभी केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ, कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई। वहीं छात्रों ने बताया कि अंग्रेजी का पेपर पहले लीक हो गया था, जिसके बाद शासन ने दोबारा पेपर कराने के लिए तिथि घोषित की थी, जो कि बुधवार को सकुशल संपन्न हुआ। छात्राओं ने कहा कि पेपर अच्छा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षा देने आई छात्रा साधना पांडे, मुस्कान निशा, कीर्तिदा एवं एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा। इंग्लिश का पेपर था, जो हाँ वही जो लीक हुआ था, वही कैसा पेपर गया? बहुत अच्छा गया, इजी पेपर था, अच्छा गया। किस तरह के क्वेश्चन आए? इजी क्वेश्चन आए थे, अच्छा गया तो इजी ही ना आया होगा। साधना पांडे, इंग्लिश। जो पेपर आउट हुआ था वो? हाँ वो जो लीक हो गया था पेपर, उसी का दूसरा पेपर हुआ, बहुत अच्छा। क्या नाम? मुस्कान निशा। कीर्तिदा। पेपर बहुत अच्छा आया था, पेपर देने के बाद बहुत बहुत खुशी है। जो लीक हुआ था वो पेपर है? नहीं, जो लीक हुआ था वो पेपर नहीं है, पेपर। हाँ, किसी का पेपर था? पेपर आज इंग्लिश का पेपर था। आज पूरे जिले में गोरखपुर में 199 परीक्षा केंद्र बनाए गए हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, तो इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र आज सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों पर संपादित होना था, जो कि सकुशल समाप्त हो गया, कहीं से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। राजकीय चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सालयों में 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को कोविड का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि कई प्राइवेट अस्पतालों में शुल्क के साथ 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, जिसका शुल्क ₹250 वैक्सीन का और संस्था का सर्विस चार्ज अलग से देना होगा। उन्होंने बताया कि जो लोग विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं या कुछ कार्यालय पर प्रिकॉशन डोज की मांग करते हैं, या उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है कि शुल्क देकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में वर्तमान समय में 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा। प्रिकॉशन डोज किन-किन प्राइवेट अस्पतालों में लगाया जा रहा है? देखिए, प्रिकॉशन डोज हमारे राजकीय चिकित्सालयों में सभी चिकित्सालयों में लग रही है, जहाँ पर कि 60 वर्ष के अधिक के जो लोग हो चुके हैं और दूसरी खुराक के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी 4-5 हॉस्पिटल्स लगाना शुरू किए हैं, उसमें एक फातिमा हॉस्पिटल है और एक शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, इसके अलावा 2-3 हॉस्पिटल्स और हैं, लेकिन वहाँ पर शुल्क के साथ लगता है। वहाँ पर 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को लगाया जा रहा है, और ख़ास करके सरकार ने ये सुविधा उन लोगों के लिए दी है जो लोग विदेश यात्रा, जैसे विदेश यात्राएं खोल दी गई हैं, विदेश यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, या कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो खुल रहे हैं, या कुछ कार्यालय खुल रहे हैं, वहाँ पर जो है प्रिकॉशन डोज की मांग कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों के लिए ये है कि वहाँ पर वो अपना जाकर सशुल्क लगवा सकते हैं। सर, कितना शुल्क निर्धारित किया गया? कितना शुल्क? तो अभी ₹250 तो वैक्सीन की कीमत है, बाकी कुछ सर्विस चार्जेज है उनके अपने संस्थान का, वो निर्धारित किया गया है। सर, जिला अस्पताल में किन उम्र के लोगों को? जिला अस्पताल में प्रिकॉशन डोज जो है अभी तक जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे उनको लगा, और जितने हमारे चुनाव में काम करने वाले कर्मचारी थे जो एलिजिबल थे उनको लगाया गया, और वर्तमान समय में 60 वर्ष के ऊपर के जितने भी लोग हैं सब लोग जो प्रिकॉशन डोज के लिए एलिजिबल हैं, यानी सेकंड डोज के 9 माह के बाद सबको लगाया जा रहा है।
बुधवार को महिला जिला अस्पताल में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने औचक निरीक्षण कर डॉक्टरों के साथ बैठक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने महिला जिला अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली, पंजीकरण काउंटर को कंप्यूटर युक्त बनाने का निर्देश दिया, प्रसव की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश दिए तथा शौचालय एवं स्नानागार हर घंटे साफ सफाई रखने की जानकारी दी। तीमारदारों को बैठने की व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और जिला अस्पताल द्वारा किसी भी प्रकार की कमियां या कोई कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उप जिलाधिकारी कुलदीप मीणा, संयुक्त मजिस्ट्रेट सुमित महाजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे तथा महिला जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गैप्स हैं उसको सूचीबद्ध किया था, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। कभी जिला अस्पताल में प्रसवों की संख्या दोगुना हुई है, ओपीडी और बेड ऑक्यूपेंसी, विभिन्न सेवाएं, वो सभी में वृद्धि हुई है। ये अच्छी बात है, हर्ष का विषय है और लगातार इसे निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे द्वारा हमने एक टीम CDO साहब की अध्यक्षता में गठित भी की है, CMO द्वारा, सभी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण करते रहेंगे और इसको एक वैश्विक स्तर की संस्था बनाने के लिए जो शासन की मंशा है उसी अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। काफ़ी सुधार आया है, यहाँ पे आपसी सामंजस्य की जो कमी थी वो खत्म हो रही है और सभी लोगों द्वारा तत्परता से काम किया जा रहा है। और हमने ये निर्देशित भी किया है कि अगर कोई मरीज को किले शोषण या किसी तरह की अवैध अनियमितता होती है तो निरंतर यहाँ पर हमारे टिकाई ऑपरेशन चलते रहेंगे और कार्रवाई होगी और उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। थैंक यू। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों को कठोर दंड से दंडित कराए जाने व महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। महिला संबंधित मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रजिस्ट्री कार्यालय पर CO कैन श्याम देव बिंद्र के नेतृत्व में कैन पुलिस ने की छापेमारी। एक घंटे से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से की गई पूछताछ। SSP ने कहा, रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले में दो व्यक्तियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश, उनके खिलाफ गैंगस्टर व कुर्की की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रजिस्ट्री कार्यालय व RTO कार्यालय में हुए भ्रष्टाचारियों पर हुई कार्यवाही पर कहा कि अलग अलग विभागों में गोपनीय तरीके से करवाई गई थी जांच, बाकी बचे अभियुक्तों को भी पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार, गैंगस्टर की कार्यवाही व अवैध संपत्ति को किया जाएगा कुर्क।
शासन द्वारा अंग्रेजी के लीक हुए पेपर की रद्द परीक्षा का बुधवार को दोबारा पेपर सकुशल हुआ संपन्न। परीक्षार्थियों ने कहा, अच्छा गया है पेपर। राजकीय चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सालयों में 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को लगाया जा रहा है कोविड का प्रिकॉशन डोज। कई प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 250 रुपए और संस्था के सर्विस चार्ज को देकर करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। सीएमओ ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण। डॉक्टरों के साथ बैठक कर कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही करने वाले कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी पदाधिकारियों व विद्यालयों को दिए निर्देश। रेलवे स्टेशन पर लोगों को नाजायज गांजा बेचने वाले एक अभियुक्त को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 120 ग्राम नाजायज गांजा हुआ बरामद, भेजा जेल। रात में मोटर चोरी करने वाले शातिर चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद। और 23 कोरोना योद्धाओं को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने किया सम्मानित। कहा, सम्मानित हुए कोरोना योद्धाओं ने दिन रात एक करके जिले में कोविड को किया है नियंत्रित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। पटको मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, विद्यालय का नया सत्र शुरू हो रहा है और सभी शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि विद्यालय में उच्च शिक्षा के जो मॉडल है उसके तहत पढ़ाई करवाई जाए, क्योंकि कोरोना में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हुई थी। अब बच्चे स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालयों में जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को विद्यालय में अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश, अच्छी शिक्षा दी जाए। इसके साथ ही मिशन कायाकल्प में सभी पदाधिकारियों की सक्रियता, सहभागिता मिले, अनुरोध किया गया, और जिन बच्चों का पंजीकरण नहीं हुआ है उन बच्चों के पंजीकरण के लिए भी कहा गया। इस अवसर पर BSC रामेंद्र सिंह सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि 2 साल के वैश्विक महामारी में स्कूल बंद होने के पश्चात हमारे शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है। बहुत उत्साह भी मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत बच्चों के अभिभावकों में भी बहुत जिज्ञासाएं हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से बच्चों की दक्षताओं में प्रतिकूल प्रभाव आवश्यक पड़ा होगा, कितना भी हमारी कोशिशें रही हों ई पाठशाला अथवा मोहल्ला पर चलाने के, लेकिन दक्षताओं में प्रभाव तो पड़ा है हर वर्ग के बच्चों का, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी विद्यालय हो, सभी, विशेषकर हमारे सबसे गरीब बच्चे जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस सफलतापूर्वक हम नहीं कर पाए। तो विशेष जिम्मेदारी है सभी को, सभी शिक्षकों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को इसमें विशेष प्रयास करना चाहिए, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा कि हम 100 साल में आने वाली एक महामारी के दौरान सबसे हमारे कमजोर बच्चों की आवाज़ नहीं बन पाए। तो मैं आग्रह था, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया भी है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है, हमारे शिक्षक साथियों का भी नुकसान हुआ है। तो हम चाहेंगे कि हम एक नई शुरुआत करके एक अच्छा कीर्तिमान बनाए और उसमें अग्रणी बनाए गोरखपुर। दो मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए आप बता दो, अभी हम लोग परीक्षा के लिए जो मूल्यांकन परीक्षा हम लोग चाहते थे कि बच्चे 2 साल बाद आए हैं, जैसे एक हम लोगों ने एक छोटी सी परीक्षा सरल ऐप के माध्यम से कराई, तो हम चाहते हैं कि अभी 25 अप्रैल को हम एक और परीक्षा कराएं। इसमें मकसद ये है कि हम ज्ञात कर लें बच्चे कहाँ हैं, आज चिंतापूर्ण माहौल में हो जाए, नकल विहीन हो जाए, बोलिया हो जाए, कोई इसमें किसी तरह की शिक्षकों की भूमिका नहीं बनाई जा रही। तो हम डेटा दे दें, बिना डेटा के सिस्टम नहीं चल सकता। तो इसलिए गलतियाँ हुई थी, टीचर्स को समझ में आने में दिक्कत आई, इस बार हम बढ़िया प्रशिक्षण कराएंगे, बहुत ही सरल है, 10वीं कक्षा का बच्चा भी कर सकता है। बस OMR शीट में मार्क करना है, तक फोटो लेना है, अपलोड करना है, इससे आसान काम तो नहीं हो सकता। और तुरंत 2 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा टेस्ट बोर्ड। हमारे सेंटर से हमारे ERP शिक्षा संकुल जो लगे हैं, ASRT लगे हैं, वो फोन करके टीचर बताएंगे था, देखिए ये सब थोड़ा मैथ्स में वीकनेस है, गणित में, अंग्रेजी में वीकनेस है, ये बता देंगे, ठीक है। तो बताओ जैसे सर, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक संगठन के पदाधिकारी, हम लोग इस वर्ष से हर स्कूल में बच्चों का असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों ने एक माह में, जो हमारा पाठ्यक्रम विभाजन है कि एक माह में पाठ 1 या पाठ 2 तक पढ़ा लेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे और क्वेश्चंस उनको पेपर हम लोग 20 तारीख तक 22 तारीख तक मैक्सिमम सभी स्कूलों पर पहुंच जाएंगे, उसके आधार पर बच्चों का असेसमेंट होगा और टीचर उसी OMR सीट को भर के तुरंत स्कैन करके दे देंगे, उससे हमारा रिपोर्ट मॉनिटरिंग सेंटर तक आ जाएगा और हम ये देखेंगे कि किस स्कूल में किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, किस लर्निंग आउटकम को मीट आउट करने में दिक्कत आ रही है। तो उस पर हम जो हमारी एकेडमिक फैकल्टी है, डाइट मेंटर, ERP, SRG, इनकी एक रिच टीम है और इनके अलावा भी टीम है जो टीम सपोर्ट करेगी उस स्कूल में जाके। अभी क्या होता है कि मैथ का ERP हमारा हर स्कूल पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, लगातार हम लोग सारे स्टेक होल्डर से वार्ता करते रहते हैं और उसी श्रृंखला में ये भी कार्रवाई की जा रही है। अभी नया सत्र शुरू हुआ है, सभी शिक्षकों से अनुरोध किया गया था कि उपचारात्मक शिक्षा के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसको अंगीकृत करते हुए पढ़ाई सुनिश्चित करें। 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद बच्चे हमारे स्कूल में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से उत्साह के साथ
प्रतिभाग कर रहे हैं, कक्षाओं में आ रहे हैं, उनको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा परिवेश मिले, अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा मिले, इसके लिए आग्रह किया गया। कायाकल्प में उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए आग्रह किया गया और साथ ही साथ जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको पंजीकरण कराने के लिए और उनको नियमित ठहराव और पढ़ाई के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया। कैंट पुलिस ने एक अभियुक्त को नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गोरखपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 6 से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान धीरज कुमार पुत्र दीप राज निवासी ग्राम रामपुरवा कटहेरी थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है, जिसके पास से 1 किलो 120 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 13 अप्रैल को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पर गांजा बेचता है वह अपने साथ गांजा लेकर बस स्टेशन पर आने वाला है, जिसको देखते हुए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 6 से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं रेलवे स्टेशन बस स्टेशन व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को गांजा बेचकर अपना जीवन व्यापन करता हूं, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक सुदेश कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल कुंदन कुमार सिंह, विजेंद्र कुमार सिंह, लक्ष्मीकांत तिवारी, कांस्टेबल प्रेम बहादुर सिंह शामिल रहे। शाहपुर पुलिस ने रात में मोटर चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को पप्पू कटरा पादरी बाजार से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विनय पुत्र राकेश निवासी स्टर्नपुर भटोलिया पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अरविंद सिंह यादव, कांस्टेबल अजय प्रताप चौधरी, उमा शंकर यादव शामिल रहे। बुधवार को शिवपुर शाहबाजगंज शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें 23 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि आशा एएनएम, सीएचओ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य टीम और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हर एक कर्मचारी ने दिन रात एक करके जिले में कोविड नियंत्रित करने में योगदान दिया है और इसमें सामुदायिक भागीदारी भी अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि इनकी सेवा कार्यों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य था। इस अवसर पर डॉक्टर नीतू मौर्य, डॉक्टर मधुरिमा, फार्मासिस्ट राकेश कुमार, विवेक कुमार, लैब टेक्नीशियन पुनीत कुमार, सुधा पटेल, सुनीता यादव सहित अन्य डॉक्टर एवं नर्स उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, विवेक आप मैं समझता हूँ कि मेरा कोई ऐसा पुण्य प्रसाद के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग इसी धर्म निष्ठा और कर्म निष्ठा के साथ अपना कार्य करती रहेंगी और गोरखपुर को हम लोग हैं देखता हूँ कि जब उनसे मैं कहता हूँ तो कहते हैं साहब हमारे डॉक्टर साहब लोग हमें बचा लेंगे। ये विश्वास आप लोगों ने जगाया है गोरखपुर के लोगों में, ये सच में अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं आप सभी लोगों से यही रखिएगा, मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कीजिएगा, कहीं पर भी कभी भी चाहे अनचाहे कभी किसी मरीज को अपमानित करिएगा नहीं।
सर कुछ सम्मानित किया गया है? देखिए, आज शिवपुर शहबाजगंज में हम लोग गए थे सम्मानित करने। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इधर करीब 2.5 वर्षों से कोविड से हम लोग जूझ रहे थे और हमारे कर्मचारी जी जान लगा के काम कर रहे थे, अपना घर द्वार सब छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके। यहाँ तक कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कोविड के समय में 2-2, 3-3 महीने तक घर ही नहीं गए। तो इन लोगों का सम्मान करना हमारा धर्म था, इनकी सेवा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य था। उसी के निर्वहन के क्रम में आज मैं शिवपुर गया था, वहाँ के सभी कर्मचारियों को मैंने सम्मानित किया और उनको जो है इसी तरह से गोरखपुर को ग्रेट गोरखपुर बनाने के लिए प्रेरित किया। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपराधियों को कठोर दंड से दंडित कराए जाने व महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह व न्याय ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। महिला संबंधित मामलों में कठोर कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रजिस्ट्री कार्यालय पर सीओ कैन श्याम देव बिंद्र के नेतृत्व में कैन पुलिस ने की छापेमारी। 1 घंटे से ज्यादा रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारियों से की गई पूछताछ। एसएसपी ने कहा, रजिस्ट्री कार्यालय में भ्रष्टाचार के मामले में 2 व्यक्तियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, बाकियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही है दबिश। उनके खिलाफ गैंगस्टर व कुर्की की जाएगी कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने रजिस्ट्री कार्यालय व आरटीओ कार्यालय में हुए भ्रष्टाचारियों पर हुई कार्यवाही पर कहा कि अलग अलग विभागों में गोपनीय तरीके से करवाई गई थी जांच, बाकी बचे अभियुक्तों को भी पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार। गैंगस्टर की कार्यवाही व अवैध संपत्ति को किया जाएगा कुर्क। शासन द्वारा अंग्रेजी के लीक हुए पेपर की रद्द परीक्षा का बुधवार को दोबारा पेपर सकुशल हुआ संपन्न। परीक्षार्थियों ने कहा, अच्छा गया है पेपर। राजकीय चिकित्सालय सहित सभी चिकित्सालयों में 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को लगाया जा रहा है कोविड का प्रिकॉशन डोज। कई प्राइवेट अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ₹250 और संस्था के सर्विस चार्ज को देकर करवा सकते हैं वैक्सीनेशन। सीएमओ ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया औचक निरीक्षण। डॉक्टरों के साथ बैठक कर कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही करने वाले कर्मचारी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी पदाधिकारियों व विद्यालयों को दिए निर्देश। रेलवे स्टेशन पर लोगों को नाजायज गांजा बेचने वाले एक अभियुक्त को कैन पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 किलो 120 ग्राम नाजायज गांजा हुआ बरामद, भेजा जेल। रात में मोटर चोरी करने वाले शातिर चोर को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद। और 23 कोरोना योद्धाओं को सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने किया सम्मानित। कहा, सम्मानित हुए कोरोना योद्धाओं ने दिन रात एक करके जिले में कोविड को किया है नियंत्रित। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।